सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ये आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग अच्छे से समझ। पीछे के लेक्चर में हम लोग इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस और उसका डिटेल में फिगर सब स्टडी किए थे। उसके अंदर जो पार्ट्स था, सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लैटरल सेक्टर, एंड्स ऑफ लैटरल सेक्टर, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ, बहुत सारा चीज़ डिस्कस किए थे हम लोग बोर्ड लेवल तक। तो उसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लिए होंगे, वहाँ तक रिवाइज अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हम लोग अभी आईआईटी लेवल का डिस्कस करेंगे इलिप्स के। तो देखते हैं हम लोग इलिप्स के बारे में आगे डिस्कस। तो हेडलाइंस देना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलिप्स, अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो कैसा होगा, ठीक है। इफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जहां पर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट h comma k, then new equation of ellipse, new equation of ellipse is, तो हम लोग पैराबोला में भी बात कर रहे थे, x के प्लेस में क्या करेंगे, x माइनस h, और y के प्लेस में क्या करेंगे, y माइनस k प्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर कौन b स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसको कैपिटल x कैपिटल y से रिप्लेस भी कर सकते, ठीक है, इंप्लाइज दैट चाहे तो ऐसे लिख दें, कैपिटल x का होल स्क्वायर कौन a स्क्वायर प्लस कैपिटल y का होल स्क्वायर कौन b स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना, ये लेट किया गया, ठीक है। यानी यहाँ से कैपिटल x कैपिटल y पहले निकलेगा और बाद में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनल सारा चीज़ आ जाएगा जो इलिप्स में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो देखते हैं, एक्चुअली ये इलिप्स अब जो पहले यहाँ था ये ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ आ गया, ठीक है, सेम साइज का इलिप्स है, ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका जितना भी कोऑर्डिनेट और इक्वेशन से रिलेटेड चीज था वो सब चेंज कर जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस ये सब चेंज नहीं करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायरेक्शन सब सेम रहेगा, ठीक है। हम लोग सब कुछ निकालते हैं इसका, तो सबसे पहले सेंटर निकालते हैं। सेंटर पे लिखा था बेटा जीरो जीरो, कैपिटल एक्स जीरो और कैपिटल वाई जीरो करो, कैपिटल एक्स जीरो करोगे तो क्या होगा, स्मॉल एक्स माइनस एच जीरो होगा और एक्स इक्वल टू क्या होगा एच, और ये स्मॉल वाई माइनस के इक्वल टू जीरो, स्मॉल वाई इक्वल टू क्या के, ठीक है। दैट इज एच कॉमा के इज सेंटर ऑफ न्यू इलिप्स, सेंटर ऑफ न्यू इलिप्स। नेक्स्ट पॉइंट एसके इज सेंटर ऑफ द न्यू इलिप्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इसका चेंज नहीं करेगा ना, एसेंट्रिसिटी सेम रहता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए,
बाय ए, ठीक है, पहले वाला भी यही था और अभी का भी यही होगा, ठीक है। फोका है, क्या था फोका, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, कैपिटल एक्स ले लेंगे, कैपिटल वाई इक्वल टू क्या था जीरो, मतलब प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो था, ठीक है। तो बेटा कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए है, तो स्मॉल एक्स निकालना है, तो एक्स माइनस एच इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस ए, स्मॉल एच इक्वल टू क्या हो गया एच प्लस माइनस ए, और यहाँ से वाई माइनस के इक्वल टू जीरो, स्मॉल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा के, ठीक है, दैट इज एच प्लस ए कॉमा के एंड एच माइनस ए कॉमा के आर टू फोकाई ऑफ न्यू इलिप्स, ठीक है, ऑफ द न्यू इलिप्स, ये दो फोकाई। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स रिमूव कर लो, एक्स माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई, दैट इज स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या होगा एच प्लस माइनस ए अपॉन ई, आर टू डायरेक्ट्रिक्स, एच प्लस ए अपॉन ई एंड एक्स इक्वल टू एच माइनस ए अपॉन ई आर टू डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ये बात याद रखना है बेटा कि इलिप्स में इक्वेशन और कोऑर्डिनेट वाला चीज सिर्फ चेंज करेगा, लेंथ कभी चेंज नहीं करता ट्रांसफॉर्मेशन करने से, जैसे सेंट्रिसिटी हम निकाल दिए लेकिन निकालना नहीं था, ठीक है, एसेंट्रिसिटी और लेंथ कभी चेंज नहीं करेगा, नोट पर लिख देंगे लास्ट में। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ऐसे होता था क्या, वाई इक्वल टू जीरो या कैपिटल वाई लिखेंगे, यानी स्मॉल वाई माइनस के इक्वल टू जीरो, स्मॉल वाई इक्वल टू के, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, एक्स इक्वल टू जीरो मींस वाई एक्सिस, स्मॉल एक्स माइनस एच इक्वल टू जीरो, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या होगा एच, दिस इज माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लैटिस सेक्टर, हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, वहां स्मॉल एक्स था बट यहां कैपिटल एक्स लेंगे, ठीक है, मतलब एक्स माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी एक्स इक्वल टू एच प्लस ए एंड एक्स इक्वल टू एच माइनस ए आर टू लैटिस सेक्टर ऑफ न्यू इलिप्स। नेक्स्ट एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए और कैपिटल वाई इक्वल टू क्या जीरो, इसको आगे बढ़ाओगे तो x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए और y माइनस के इक्वल टू जीरो, तो स्मॉल x इक्वल टू क्या हो गया h प्लस माइनस ए स्मॉल y इक्वल टू k, दैट इज h प्लस a कॉमा k एंड h माइनस a कॉमा k आर टू एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, है ना, ऑफ न्यू इलिप्स, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का एंड्स क्या होगा एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू प्लस माइनस क्या बी, तो स्मॉल एक्स माइनस एच जीरो, स्मॉल एक्स हो गया एच, फिर स्मॉल वाई माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस बी, स्मॉल वाई इक्वल टू क्या स्मॉल वाई, इसको मोड़ देते हैं
स्मॉल वाई इक्वल टू हो गया के प्लस माइनस बी, दैट इज टू एंड्स आर एच कॉमा के प्लस बी एंड एच कॉमा के माइनस बी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंड्स ऑफ लैटिस सेक्टर. एंड्स ऑफ लैटिस सेक्टर क्या पढ़े थे हम लोग, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए और कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई. यहां से स्मॉल एक्स निकालोगे तो एस प्लस माइनस ए और स्मॉल वाई निकालोगे तो के प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, दैट इज फोर एंड्स आर क्या हो जाएगा एच प्लस माइनस ए कॉमा के प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर ए. फोर एंड्स कैसे है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस अलग अलग करके चार कोऑर्डिनेट ले सकते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इसको अच्छे से याद रखें, एसेंट्रिसिटी कॉमन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कॉमन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टर है ना. रिमेंस अनचेंज्ड. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से लेंथ चेंज नहीं करता है. ठीक है, जो पहले से हम लोग पढ़े थे लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या था 2a का मॉड, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b का मॉड, ये यहां भी वही होगा. लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टर 2b स्क्वायर बाय a, यहां भी यही होगा. एसेंट्रिसिटी हम देखे ही थे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, यहां भी वही होगा. ठीक है, अब हम कॉपी कर डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. एलिप्स का डायमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एडमेंटिक इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एडमेंटिक इक्वेशन ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, p a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, हां अगर एक साथ दोनों को लिख देंगे ना एक कोऑर्डिनेट का लगता है which पैरामेट्रिक पॉइंट या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या जनरल पॉइंट कुछ बोलो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन द एलिप्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट में अरेंज कर लेंगे कि पैरामेट्रिक पॉइंट होगा, ऐसे छोड़ देंगे x इक्वल टू y इक्वल टू पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा. और क्यों होता है इसको समझा देते हैं. ठीक है, पहले तो ये लिख देते हैं वेयर थीटा ही पैरामीटर, पैरामीटर नहीं है पैरामीटर है, बताए थे पैरामीटर एक वेरिएबल होता है जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशन शो करता है. ठीक है, पैरामीटर. ठीक है, और इसका नाम एसेंट्रिक एंगल भी है, तो आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो बेटा इसको रीड करते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा, आप यहां से x अपॉन a इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं, वन इक्वेशन. y इक्वल टू क्या है b sin थीटा, यहां से y अपॉन b इक्वल टू sin थीटा लिख, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1. दैट इज
x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, यही रिलेट्स यानी पैरामीटर को एलिमिनेट करने से कर्व आ जाना चाहिए, तभी वो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है। और इसी इलिप्स पर कई पैरामीट्रिक इक्वेशन होते हैं। तो बेटा हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे समझने वाला कोई खास बात नहीं है, मतलब जनरल पॉइंट है कोई, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, यही है a cos थीटा कोमा a सॉरी b sin थीटा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। जनरली हम लोग ऐसा पॉइंट पोलर फॉर्म में देखे थे, r cos थीटा कोमा r sin थीटा, तो वहां पे r क्या होता था, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो आखिर ये कैसे, ये एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, किधर से एंगल, कौन सा एंगल है, ये सब चीज कैसे होगा, ठीक है। इस बात को हम लोग अच्छे से अभी समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नया हेडलाइन दे रहे हैं, ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल और एसेंट्रिक एंगल क्या होता है, वही एसेंट्रिक एंगल थीटा है, इसको लोग फिगर में एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। तो हम पहले ऑक्सिलरी सर्कल डिस्कस करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल फिगर हम बाद बना लेंगे। द सर्कल विच फॉर मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एज डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दैट एलिप्स। एक बार रिपीट कर देता हूं, द सर्कल विच फॉर मेजर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल बनाएंगे ना, वही ऑक्सिलरी सर्कल होता है। द सर्कल विच फॉर मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एज डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दैट एलिप्स, ठीक है बेटा। तो हम अभी फिगर में डिटेल डिस्कस करते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल भी और एसेंट्रिक एंगल भी, ठीक है। एक अच्छा फिगर बनाएंगे, ठीक है, उसको कॉपी करते हैं, जिसमें ऑक्सिलरी सर्कल और एसेंट्रिक एंगल दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है हमारा एलिप्स लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये सेंटर है इसका, ए ए कोमा जीरो और ए डैश क्या है माइनस ए कोमा जीरो, दिस इज मेजर एक्सिस। अब इसी को डायमीटर मान के हम लोग क्या करेंगे, सर्कल क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप लोग देखो फिगर को सही समझना है, बनाना खुद से है। ये एक सर्कल है और यही सर्कल का नाम है ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। अब समझाते हैं एसेंट्रिक एंगल कैसे होता है, ठीक है। पहले हम समझा दे रहे हैं, बाद में एसेंट्रिक एंगल का डेफिनेशन भी
निकल के वो समझता। देखो बेटा यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी ले, कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब इसको क्यों ले लेते हैं, ठीक है, ये बताओ इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन और रेडियस क्या है, ठीक है, और यही एंगल थीटा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोलर फॉर्म में जो लोग कोऑर्डिनेट पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए मिडल एक्सिस पे, ठीक है, डाल दिए, और ये जहाँ इलिप्स को कट करेगा ना यही पॉइंट है पी, इसका नाम ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, यानी एंगल यहाँ से मिलाने पर नहीं बनता है, यहाँ से मिलाने पर बनता है, ठीक है। तब लोग क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट अगर देगा इलिप्स पर का पैरामेट्रिक पॉइंट, तो पहले इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल बना देंगे और वहाँ से सीधा परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और वो जहाँ ऑक्सिलरी सर्कल को मिलेगा ना उस पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे तो वो जो एंगल बनाएगा वही थीटा होता है, दिस इज एसेंट्रिक एंगल, ठीक है। ऐसे मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, एसेंट्रिक एंगल, पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल मेड एंगल एट सेंटर ना विथ मेजर एक्सिस, विथ द मेजर एक्सिस, called eccentric angle of the ellipse, ठीक है, here theta is an eccentric angle, ठीक। तो बेटा एक दो बात हम बताते हैं, center of, पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, इसी में नोट लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, तो चूंकि सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है ए, इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर सेंटर नंबरिंग नहीं करते इसी सब कुछ लिख रहे, ठीक है, सेंटर क्या है बेटा जीरो जीरो, दैट इज सेंटर ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का जो सेंटर होगा ना वही ऑक्सिलरी सर्कल का भी सेंटर होगा, ठीक है, इलिप्स अगर ट्रांसफॉर्म रहेगा तो सेंटर भी ट्रांसफॉर्म कर जाएगा सर्कल इलिप्स का, तो ऑक्सिलरी सर्कल का जो सेंटर होगा वही जो ट्रांसफॉर्म करेगा ना सेंटर इलिप्स का वही सेंटर हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल का, ठीक है। रेडियस होगा क्या चीज बताओ, ए दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, जो ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस होगा वो हमेशा सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगा इलिप्स की, ठीक है, इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखना, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द इलिप्स, इलिप्स के रेस्पेक्ट में पॉइंट का क्या पोजिशन होता है इसको डिस्कस करते हैं। लेट पॉइंट इज एक्स वन कोमा वाई वन एंड इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो देखो बेटा पॉइंट तीन पोजीशन बना सकता है इलिप्स में, ठीक है,
ये सेंटर। तो हम लोग पॉइंट को इलिप्स के अंदर दिखा सकते हैं, पी वन इलिप्स के ऊपर लाइन कर सकता है या इलिप्स के आउटसाइड लाइन कर सकता है, कहीं भी, ठीक है। तो कब क्या होगा इसके लिए कंडीशन बता रहे, ठीक है। पहली बात तो हम लोग पीछे पढ़े थे एस मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन, एस वन मतलब एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एस की जगह पे एक्स वन और वाई की जगह वाई वन पुट करते माइनस वन, है ना। तब इसके लिए अलग अलग कंडीशन था, इफ एस वन इज ग्रेटर देन जीरो, एस वन इज ग्रेटर देन जीरो दैट इज एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, तो पॉइंट लाइज आउटसाइड टू द एलिप्स। और अकॉर्डिंग टू फिगर कौन सा पॉइंट दिख रहा है, पी थ्री। एस वन ग्रेटर देन जीरो के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा, ठीक है। बाकी आगे डिस्कस एस वन इफ एस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तब क्या होगा पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स। फिगर में कौन सा पॉइंट दिख रहा था, पी टू, पॉइंट पी टू। और इफ एस वन इज लेस देन जीरो या ए स्क्वायर प्लस, अब इसके जगह पे कोई दूसरा एलिप्स भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में रह सकता है, कोई दूसरा इक्वेशन भी ले सकते हैं इसका, मतलब ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में भी रह सकता है, फॉर्मूला सेम यूज होगा, तब क्या होगा पॉइंट लाइज इनसाइड That is point कौन सा? Figure में P1 दिख रहा था, ठीक है। तो एक question देखते हैं इसमें। Find position of point 2 minus 3 with respect to the ellipse x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1। कोई भी ellipse ले सकते हैं, ये ellipse लोग x axis है, अगर y के लोग भी रहता तो formula same use करते, ठीक है, इसलिए कोई issue नहीं है। हम लोग बस कोई भी ellipse रहेगा तो s यहाँ पर क्या है बताओ, x square by 25 plus y square by 9 minus 1, अब इसमें वो put कर दो point S1 is equal to क्या होगा 4 by 25 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 by 9 माइनस 1, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, 4 by 25 बच गया और ये पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 2, माइनस 3 है, 2, माइनस 3 lies कैसे आउटसाइड। ठीक है बेटा, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं पॉइंट इनसाइड है या फिर आउटसाइड है या ऑन द एलिप्स, ठीक है। तो एक और बात हम बता देते हैं, अगर इनसाइड पॉइंट रहेगा तो वहां से एक भी टेंजेंट नहीं पास कर सकता, आउटसाइड रहेगा तो दो टेंजेंट पास कर सकता है, है ना, और ऑन द एलिप्स रहेगा पॉइंट तो एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। फिर से रिपीट करते हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना टेंजेंट होगा, दो, एक इधर टच करेंगे इधर टच, ऑन द एलिप्स के लिए सिर्फ एक टेंजेंट होगा और इनसाइड होगा तो वहां से एक भी टेंजेंट पास नहीं कर सकता, ठीक है, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईआईटी के लिए, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। कंडीशन 4 टेंजेंसी मतलब टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है इसको समझते हैं, ठीक है। If line
y is equal to mx plus c is tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then कंडीशन फोर, दो पॉइंट यहां बता रहे, कंडीशन फोर टेंजेंसी इज टेंजेंट होने के लिए कंडीशन होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है इसका डेरिवेशन हम बताएंगे ठीक है पहले फॉर्मूला लिख देते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब टेंजेंट जहां पे इलिप्स को टच करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है पी ए स्क्वायर एम बाय सी कोमा बी स्क्वायर बाय सी दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए स्क्वायर एम अपॉन सी ए स्क्वायर एम नहीं एक मिनट माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कोमा बी स्क्वायर अपॉन सी This is point of contact. अब इसको हम लोग ग्राफ करेंगे ऑलरेडी ठीक है तो पहले फॉर्मूला नोट कर लो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेयर सी मतलब क्या वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन और एम मतलब स्लोप ऑफ द लाइन ठीक है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पता ही है इलिप्स के लिए होता है ठीक है इस बात को ध्यान रखें इलिप्स को अच्छा इसलिए करते हैं ये सब लेंथ इक्वल आना चाहिए ठीक है जब राजी होने के कारण थोड़ा सा फिगर फर्स्ट क्लास अब लोग देखते हैं एक लाइन है जो इसको टच कर रहा है ठीक है इस लाइन का ही नाम है y इक्वल टू mx प्लस c और जहां पे टच कर रहा है ना उस पॉइंट का नाम है माइनस क्या नाम माइनस a स्क्वायर m बाय c कॉमा b स्क्वायर प्लस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट करते हैं ठीक है तो मैं डिराइव कर देता हूँ उस कॉन्सेप्ट को ठीक है सॉल्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड इलिप्स पैराबोला में भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे इज इक्वल टू वन इसको सॉल्व करो तो रिजल्ट क्या देगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है थोड़ा अरेंज करो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है थोड़ा और अरेंज करो एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाला एक साथ रखो प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर एम सी एक्स ठीक है कॉन्स्टेंट एक साथ प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब ये क्या है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ठीक है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x ये x में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है अब बेटा लाइन चूंकि टच कर रहा है इसको तो लाइन अगर कोई भी लाइन कर्व को टच करता है तो उसका एक ही रूट होगा एक ही जगह टच कर सकता है नहीं दैट इज डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका जीरो क्योंकि लाइन टच द एलिप्स इसीलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जीरो डिस्क्रिमिनेंट निकालो फोर ए फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ठीक है इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजकल टू जीरो। ठीक है, फोर तो शुरू में ही उड़ा दो, यानी ए फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, आप यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, जब मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी फोर। ठीक है, फिर माइनस इसको इससे कर लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ए फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में प्लस ए फोर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इसका तो जीरो। ठीक है, ए फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इस। ठीक है, अब आप थोड़ा और आगे बढ़ो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सभी में है, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले, तो ये वाला क्या देगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये वाला हम क्या देगा बी स्क्वायर, और वो वाला हम क्या देगा माइनस सी स्क्वायर इसका तो जीरो। अब चूंकि ये जीरो हो नहीं सकता है, इलिप्स का कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ही जीरो होगा, इसलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, विच इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। बहुत अच्छा सा यार इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंट होने के लिए कंडीशन था डिराइव किया इसको। अब एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का लिस्ट था उसको समझते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे इसे, एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो जीरो था, एस का वैल्यू क्या था बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर डिस्क्रिमिनेंट में जो था, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो इफ डी इज इक्वल टू जीरो तब एस का वैल्यू क्या होगा माइनस बी अपॉन टू ए, इसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एस का वैल्यू क्या होगा माइनस बी माइनस ऑफ टू ए स्क्वायर एम सी बाय टू ए, टू इंटू ए मीन्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है बेटा, टू से टू कैंसिल हो गया और माइनस ए स्क्वायर एम सी और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो सी ए स्क्वायर। देखो एक सी कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस ए स्क्वायर एम फोर सी, दिस इज एस कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब हम वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वाई इक्वल टू एम एम एक्स प्लस सी में ना ये पुट कर देते हैं, एम इंटू माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी प्लस सी, थोड़ा कैलकुलेट करो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय सी। अब यहां से देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर क्या देगा बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन सी, ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसीलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज क्या हो गया बेटा एस कोऑर्डिनेट माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया बी स्क्वायर बाय सी। तो हम दोनों चीज को डिराइव कर दिए, कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आपको। ठीक है, फॉर टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फाइंड कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ फॉलोइंग लाइन एंड इलिप्स। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन देखो, फर्स्ट बहुत बार पूछा है एग्जाम में, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल टू जीरो लाइन है, और इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू वन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, लाइन है वाई इजकल टू एक्स प्लस सी, और इलिप्स ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अल्फा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजकल टू वन। एक और क्वेश्चन है, लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल टू जीरो एंड इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय जरूरी में कि ए ही रहे पी भी रह सकता है कुछ भी रह सकता है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इजक्वल टू वन।
तो जब भी कंडीशन निकालना होता है तो कंडीशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे रिलेशन कोएफिशिएंट क्या सर है, एल एन ए बी, पीछे वाला में क्या था वाइज कल एम एस प्लस सी एम और सी ए बी एम सी ए बी, उसमें रिलेशन था। यहाँ पे ज्यादा रिलेशन हो गया, अगर हम यहाँ पे ज्यादा अननोन्स हो गया कॉन्स्टेंट्स तो इसमें ज्यादा बड़ा रिलेशन आएगा। अगर हम उस मेथड से डिराइव करके बनाएंगे बिना फॉर्मूला का बहुत लंबा बनेगा, मतलब जितना ज्यादा अननोन्स रहते हैं ना उतना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को डिराइव करना टफ होता है। ठीक है, तो हम लोग कभी भी वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, फार्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे और फार्मूला का अप्लाई करेंगे इसका, इसके लिए तो हम लोग कर लेंगे बट इसके लिए बताया नहीं है फार्मूला, है ना। यहाँ पर हम लोग ज्यादा फोकस करना, पहले फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं फिर सेकंड बढ़ाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले लाइन को आप कन्वर्ट कर लो एम एक्स प्लस सी में, एम वाइज कर तो क्या हो गया माइनस एल एक्स माइनस एल वाई एज कल पे हो गया माइनस एल बाय एन एक्स और माइनस एल बाय, और इलिप्स तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या था, कंडीशन फॉर टेंजेंसी सी स्क्वायर, सी मीन्स वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऑलरेडी ए स्क्वायर है, एम स्क्वायर मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन माइनस एल बाय एम का होल स्क्वायर, बस थोड़ा अरेंज कर दो, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस इज कंडीशन। ठीक है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को फोकस करते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर फॉर्म ए स्क्वायर प्लस y माइनस बेटा का होल स्क्वायर फॉर्म क्या है बी स्क्वायर। बेटा ये इलिप्स ट्रांसफॉर्म क्या हुआ है, इससे अल्फा बीटा सर, तो जो लाइन हमारा है ना उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो लाइन क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है mx plus c, इसको भी अल्फा बीटा से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे y माइनस बीटा इक्वल टू m इनटू x माइनस अल्फा प्लस c, सब तो है, अब बैलेंस करना होगा, इधर माइनस बीटा ऐड किया इधर कर लो, ऐड नहीं किया सबट्रैक्ट माइनस बीटा हो गया, इधर माइनस एम एल्फा किए हो प्लस एम एल्फा करना होगा बैलेंस करने के लिए। अब ये सी की तरफ बिहेव करेगा, अब ये आ गया जैसा ट्रांसफॉर्मेशन इलिप्स का है वैसा ट्रांसफॉर्मेशन लाइन का भी हो गया, तुम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ठीक है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होगा बेटा, सी स्क्वायर मीन्स सी माइनस बीटा प्लस एम एल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ऑलरेडी ए स्क्वायर एम स्क्वायर भी एम स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, बस आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेना सही से। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक में जाओगे इंडियन पेज में सॉल्व होता है। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांस रहता है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन क्या है क्यू स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे जो इलिप्स है वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ है, जीरो के से। ठीक है, जीरो के से ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो लाइन को भी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, लाइन क्या है वाई इक्वल टू माइनस एल बाय एक्स माइनस एन बाय, इसको मैं अरेंज कर दिया एमएक्स प्लस सी, तो इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करो उसको, वाई माइनस के इक्वल टू माइनस एल बाय एक्स माइनस एन बाय तो है माइनस के क्यों इधर माइनस के इक्वल टू बैलेंस होगा। अब सी की जगह यूज होगा कंडीशन फॉर टेंडेंसी इज माइनस एन बाय एम माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पी स्क्वायर और एम स्क्वायर क्या है माइनस एल बाय एम और प्लस बी स्क्वायर क्या है टू स्क्वायर। अब एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो एन प्लस एन के का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन फॉर
ठीक है, नोट करो। पोजिशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द एलिप्स, एलिप्स के रिस्पेक्ट में लाइन का पोजिशन क्या होता है, इसको देखते हैं। लाइन इज एन एक्स प्लस सी एंड एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। Then, first point, if c square is less than a square m square plus b square, okay, then line ये तो condition होगा ना, इसके लिए chord बनाया है, ठीक है। इसे हम फिगर पहले बना दे रहे हैं, देखो क्या करना चाह रहे हैं। ये एलिप्स है तो लाइन बाहर से निकल सकता है, कॉर्ड हो सकता है या टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। एल वन एल टू एल थ्री लाइन टच कर सकता है एलिप्स को, बाहर से निकल सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, तीन में से कौन सा होगा इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्ड का कंडीशन, कॉर्ड कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन कॉर्ड होता है, दैट इज L3, है ना, मतलब लाइन L3 जो फिगर में दिख रहा है वो कॉर्ड है। इफ C स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो पढ़े ही थे, टेंजेंट कंडीशन है, मतलब फिगर में लाइन कौन सा दिख रहा है, L2, ठीक है। और इफ c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आउटसाइड लाइन आउटसाइड लाइक कौन सा फिगर दिख रहा है, L1। इसका हम डेरिवेशन नहीं बताएंगे, बस समझा दे रहे, ठीक है। देखो जो पीछे हम लोग पढ़े थे लाइन को और इलिप्स को सॉल्व किए थे, किए थे बेटा, वहां से क्वालिटी का आया था, सेम क्वालिटी यहां भी आएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाले थे वो भी याद है, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो किए थे क्योंकि तो लाइन वहां पे टच करता था, टेंजेंट था, तो उसके लिए ये कंडीशन आया, याद करना आपको, ठीक है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव पे क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स, यानी कि लाइन इलिप्स को ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, बाहर से निकल जाएगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो के लिए कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला थर्ड कंडीशन, आउटसाइड लाइन के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि टू रियल रूट्स होता है क्वाड्रेटिक का, ठीक है, यानी कि दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो उसी क्वाड्रेटिक का जो रूट पीछे डिराइव किए थे ना उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करोगे ना तो वहां से ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप याद रखोगे सही से, ठीक है, फॉर्मूला भूल जाएंगे तब वहां से जाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, ठीक है। वैसे थोड़ा हिंट कर देते हैं, सॉल्व y is equal to mx plus c and x square by a square plus y square by b square is equal to 1, ठीक है। यहाँ सॉल्व करोगे तो becomes, ज्यादा भी लिखेंगे नहीं, बस संधार अपने से लिखना, becomes quadratic equation in x, वो लाए थे पीछे, और एक बार फिर समझा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट जीरो पर क्या होगा, टेंजेंट, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव पर आउटसाइड, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव इस पर क्या होगा, कॉर्ड, ठीक है, उसी से ड्राइव हो जाएगा। इसे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड पोजिशन ऑफ लाइन 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड एलिप्स x स्क्वायर बाय 9 माइनस प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, ठीक है, सॉल्व करना है। 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे y निकालोगे तो 1 बाय 3x
और प्लस 5/6, ठीक है। यहाँ पर m कितना हो गया 1/3, c कितना हो गया 5/6, ठीक है। ए स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर कितना हो गया 4, तो हम लोग क्या निकालेंगे बेटा सी स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। सी स्क्वायर कितना दिख रहा है 25/36, ठीक है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो स्पष्ट दिख रहा है बी स्क्वायर अकेले ऐड होगा तो बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन ले ली होती है, 9 × क्या एम स्क्वायर कितना 1/9 प्लस बी स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 5। तो साफ दिख रहा है कि सी स्क्वायर जो है ना वो लेस देन है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए लाइन इज क्या है कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, ठीक है। इसके आगे हम लोग आज से क्लास में यहां तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल सब डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लेना, ऐसा कभी काम पड़ता है क्वेश्चन करना, ठीक है। अभी तक हम लोग लगभग बेसिक लेवल पे ही है, हालांकि आईआईटी में भी काफी यूज होता है। पीछे के लेक्चर में हम लोग ओनली बोर्ड लेवल तक डिस्कस किए थे, ये वाला लेक्चर जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं इसमें मीडियम लेवल का है, मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर, और आईआईटी मतलब आईआईटी का लिंक है, ठीक है। इसके बाद का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आईआईटी के लिए, अगर यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।